हेलो जो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का कोठारी आयोग। जैसे कि बच्चों, हम लोग यहाँ पे नेट सेकंड पेपर जो एजुकेशन का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके पहले के टॉपिक हमने कवर करा चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए। और आज का जो टॉपिक है कोठारी आयोग के बारे में है। इसके पहले हम लोगों ने मुदालियर आयोग पढ़ा था, जिसको कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, उस समय की बात ये है कि जब हम लोगों को नई नई स्वतंत्रता मिली थी और भारत की आज़ादी के बाद, तो उस समय क्या था कि शिक्षा जो है उसमें निर्धनता थी और एक तरह से आधुनिकीकरण की ज़रूरत थी, उद्योगों का विकास करने की ज़रूरत थी, और रहन सहन का जो है वो रहन सहन का उन्नयन, यानी कि उसमें आधुनिकीकरण की ज़रूरत थी। तो उस समय की बात है, जबकि भारत का हर क्षेत्र बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, चरमराया हुआ था उस समय। तो उस समय की बात है, भारत की आज़ादी के बाद देश की जो सामाजिक है और आर्थिक प्रगति जो थी, और शिक्षा के जो सामाजिक आर्थिक प्रगति थी, वो शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों, इसको आर्थिक और सामाजिक प्रगति लाने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम था वो था शिक्षा को मजबूत करना, शिक्षा का आधुनिकीकरण करना। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में, एक शिक्षा का महत्वपूर्ण, समाज को आगे ले जाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे शिक्षा के संपूर्ण जो क्षेत्र थे, जो प्राइमरी है आपका, माध्यमिक है, विश्वविद्यालय है, इस तरह के जितने भी क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों की जांच की आवश्यकता महसूस हुई कि इसकी जांच की जाए, इसकी समीक्षा की जाए कि हाँ क्या क्या सुधार हम लोगों को करने हैं, किस किस क्षेत्र में सुधार करना है, ताकि हम लोग अपना हर तरह का जो कृषि का विकास कर सकें, उद्योगों का विकास कर सकें, किस तरह से हम अपने सुधार करके शिक्षा में इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों को जो हमारी परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली थी उसको चेंज करने की आवश्यकता थी। और जो विज्ञान है, या आधुनिक विज्ञान है, तकनीक है, या वोकेशनल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनको अपनाने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए वहाँ पे जांच की आवश्यकता महसूस हुई। अब आगे पढ़ते हैं। यदि उन्होंने कहा कि यदि यदि प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी, आप बच्चों जानते हैं, अगर कोई मकान भी हम लोग बनाते हैं, कोई आपका कोई भी बड़ा हो, छोटा मकान हो, लेकिन जब तक उसकी नींव जो है, नीचे की नींव मजबूत नहीं होगी, आप उसके ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग, फ्लोर पे फ्लोर बनाते जाइए, तो वो एक दिन उसको गिरने की, या उसको एक तरह से धराशायी होने के बहुत से चांसेस हैं। लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत है, उसके आप बहुत से माले उसके ऊपर बना लीजिए, उस बिल्डिंग के ऊपर, उस घर के ऊपर बहुत से माले बना लिए, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। उसी तरीके से अगर शिक्षा में हम देखें, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यदि प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी, अगर आपने छोटी क्लासेस में अच्छी शिक्षा ली है, आपकी नींव मजबूत है, तो प्राथमिक शिक्षा जो आगे चल के जो माध्यमिक शिक्षा आपकी होगी वह भी अच्छी होगी। और यदि माध्यमिक शिक्षा अच्छी होगी, तो आपकी निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अच्छी होगी, और आप जो अपनी जीविका कमाने जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जीविका अर्न करने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यदि प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी, तो माध्यमिक शिक्षा अच्छी होगी, और अगर माध्यमिक शिक्षा अच्छी होगी, अच्छे माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली और प्रगतिशील विश्वविद्यालय नहीं हो सकते। ये यहाँ पे बताया गया है। अब आगे कहते हैं कि इन सब तथ्यों को देखते हुए, ये जो तथ्य थे, इन सब तथ्यों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। पहले भी इसके पहले और भी आयोग बने हैं। एक विश्वविद्यालय आयोग 1948 में बना था, राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं उसको। तो और फिर उसके बाद आपका माध्यमिक आयोग बना है। तो माध्यमिक आयोग में क्या था, वो उनका जो फोकस था वो केवल माध्यमिक शिक्षा पर था,
और ये जो बना है इसमें खास बात ये है, इस आयोग में, कोठारी आयोग में खास बात ये है कि इसने होलिस्टिक काम किया है, यानी कि शिक्षा के हर क्षेत्र में, शिक्षा के जितने भी पक्ष थे आपके, या जितने भी स्तर हैं, प्राइमरी है और प्राइमरी है, माध्यमिक है या अपर प्राइमरी, जितने भी हैं या विश्वविद्यालय है, सबकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया है और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो इसीलिए हम इस पे, इस आयोग को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि इस आयोग का जो आगे की शिक्षा नीतियाँ बनेंगी उसमें भी उनको सुझाने में, उनको वो करने में इनका भी महत्वपूर्ण रोल था। तो इसीलिए इस आयोग को एक महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो इन्होंने जो इन सब तथ्यों को देखते हुए एक ऐसे राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया जिससे कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जांच हो और सुधार हो। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि इस आयोग को कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है उसको आप जानिए कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो थे वो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य थे। हाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य थे और विश्वविद्यालय अनुयोग यानी कि UGC जो है हम लोगों का है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जहाँ की विश्वविद्यालय और स्कूलों को वहाँ से ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है, तो उस वहाँ के ये अध्यक्ष थे। और ये इनका इनकी जो रुचि थी वो विज्ञान में भी थी, क्योंकि इन्होंने विज्ञान से भी शिक्षा ली थी। तो अब इनके सुझावों में विज्ञान पे भी, साइंस पे भी फोकस किया गया है। अब जो ये आपके दौलत सिंह कोठारी थे, इन्हीं के नाम से इस शिक्षा आयोग का नाम पड़ा कि कोठारी आयोग, और इसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि किस आयोग की बात करें। अगर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कह रहे हैं या कोठारी आयोग कह रहे हैं तो दोनों की बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका थर्ड पॉइंट है कि भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण और मानकीकरण के लिए कार्य करना, क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी परंपरागत तरीके से चल रही थी, तो उसमें आधुनिकीकरण, आधुनिकता लाने के लिए, कि वो बाहर के जो बाहर के देश हैं या बाहर फॉरेन कंट्री की जो स्टडी है, शिक्षा है, उससे तालमेल बिठा सकें, वो वहाँ की जो शिक्षा है, इसीलिए वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा से संबंधित, उनको भी इनवाइट किया गया था। और मानकीकरण किया गया कि जो आपका जैसे सेंट्रल बोर्ड है उसकी शिक्षा, जैसे आप सेंट्रल बोर्ड की शिक्षा देखते हैं, चाहे आप यूपी में हो, सेंट्रल बोर्ड की अलग सारी पुस्तकें, चाहे दिल्ली में हो, सब जगह एक ही जैसी होंगी। एक राज्य स्तर पर भी बोर्ड होता है, एक आपका सेंट्रल बोर्ड होता है। तो ये सब जो चीज़ें थी उसका मानकीकरण करने के लिए भी कार्य किया गया। और जो ये आपका आयोग है, ये 14 जुलाई 1964 में बना था और इसके 17 सदस्य थे और 6 अन्य देशों से जो विशेषज्ञ थे, जो शिक्षा से संबंधित थे, उनको बुलाया गया था कि वो अपने सुझाव भी इसमें बताएं और अपनी राय बताएं, ताकि हम शिक्षा में और ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं या आधुनिक चीज़ें हैं, तकनीक की चीज़ें हैं, व्यावसायिक चीज़ें हैं, वो जोड़ सकें। अब इसका 6 पॉइंट आपका है कि 14 जुलाई 1964 को यह आयोग बना और 2 अक्टूबर, 14 जुलाई को ये बना था, लेकिन 2 अक्टूबर 1964 को, जिस दिन गांधी जयंती के दिन, ये कार्य शुरू हुआ। आप तो जानते हैं गांधी जी भी बहुत बेसिक शिक्षा और वर्धा, जिसको वर्धा शिक्षा आयोग कहते हैं, वर्धा शिक्षा कहते हैं, या हिंदुस्तानी तालीम कहते हैं, तो उन्होंने शिक्षा के विषय में बहुत अपने सुझाव दिए थे। तो इसी तरीके से जो ये कार्य शुरू हुआ,
तो 2 अक्टूबर जब उनका गांधी जयंती थी जिस दिन, उस दिन ये कार्य शुरू किया गया। और इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो 29 जून को 1966 को प्रस्तुत की गई। और किन वाक्यों से प्रस्तुत की गई, वो वाक्य थे वो शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति। और उसको प्रस्तुत करते हुए एक सेंटेंस बोला गया कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। आप किसी भी देश में जाइए, कहीं पे भी जाइए, जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, वही चल के एक आगे अच्छे नागरिक बनते हैं, वही देश को आगे लेके जाते हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि देश का जो भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कोठारी आयोग ने शब्द कहे हैं। अब बच्चों इसका है कि कोठारी आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम या उद्देश्य भी बताए। जो कोठारी आयोग था आपका, इसके पंचमुखी उनको कहते हैं कार्यक्रम या उद्देश्य थे। इसमें जो पहला है आपका, उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो। शिक्षा जो है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम एक मानव मानव पावर जो है उसको भी वृद्धि हो उसमें, और जो आपका कृषि है उसमें भी वृद्धि हो, वो भी उत्पादन से संबंधित जो व्यवसाय हैं उसमें भी वृद्धि हो, और जो जो बच्चे यहाँ से एक तरह से देश के लिए, देश के विकास के लिए या देश की क्षमता के विकास विकास के लिए जो वो बच्चे एक तरह से रिसोर्स हैं उनका भी वृद्धि हो, तो शिक्षा द्वारा उत्पादन में, मैंने जो हर चीज़ शिक्षा के द्वारा, हर चीज़ यानी कि उत्पादन में वृद्धि हो। अब शिक्षा द्वारा सेकंड पॉइंट है, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता हो, यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा जब पढ़ाई जाएगी तो हमारे देश में जो प्रजातंत्र है उसको, छात्रों को जब पढ़ाया जाएगा उसमें अपने कर्तव्यों को जानेंगे, अपने अधिकारों के जानेंगे, वोट देने के अधिकारों को जानेंगे, और देश की जो उनको कानून मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं उनके बारे में जानेंगे, तो जो हमारा जो प्रजातंत्र है इसकी सुदृढ़ता होगी, इसमें और ज़्यादा वो बच्चा इसके बारे में जानेगा। थर्ड पॉइंट है आपका कि शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास होना। कोठारी चाहता था कि आयोग की शिक्षा द्वारा बच्चों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, और सामाजिक जो भावना है, एक सहयोग की भावना है, इस तरीके की भावनाओं का भी विकास हो। फोर पॉइंट है कि शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी हो। अब शिक्षा जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है देश में या समाज में आधुनिकीकरण लाने में, या जो शिक्षा है पूरे समाज को एक तरह से परिवर्तित करती है। शिक्षा का असर पूरे समाज पे पड़ता है, और इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अब शिक्षा द्वारा पांचवा पॉइंट है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करें, चरित्र निर्माण हो। बच्चों जो कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा में केवल हमें आधुनिकता ही नहीं देखनी है, हमको केवल भौतिकता ही नहीं देखनी है, हमको उसमें नैतिक भी चीज़ें देखनी है, आध्यात्मिक चीज़ें भी देखनी है, और मूल्यों का जो मॉरल वैल्यू हम लोग सीखते हैं उन चीज़ों को भी देखना है। क्योंकि इन सब के बिना केवल शिक्षा देना, केवल एक मशीनरी बन के हम लोग रह जाएंगे, हम लोगों की भावनाओं का, हम लोगों का मॉरल वैल्यू का कोई विकास नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि हम लोग एक मशीन नहीं है, हम लोग एक आपका रोबोट नहीं है, हम लोग मानव हैं। तो हम लोगों के अंदर ये नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके हम लोगों का चरित्र निर्माण हो, इस तरह की शिक्षा दी जाए। अब शिक्षा की संरचना की बात करते हैं कि उन्होंने संरचना के बारे में क्या कहा है। तो जो लोअर प्राइमरी में बताया गया है कि 1 से लेकर 4 तक जो क्लासेस हैं वो लोअर प्राइमरी कही जाएंगी, हायर प्राइमरी लेवल है आपका वो 5 से 8 तक कहा जाएगा, यानी 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक जो है आपका वो हायर प्राइमरी लेवल कहे जाएगा। और लोअर सेकेंडरी जो है आपका, लोअर सेकेंडरी आपका है 9 से लेकर
नौवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक। ये दो क्लासेज जो आपकी हैं वो लोअर सेकेंडरी कही जाएंगी। हायर सेकेंडरी जो स्कूल है आपका वो इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास जो आप पढ़ते हैं वो आपका होगा। अब इनके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव में नंबर एक जो है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि 10+2+3 प्रणाली अपनाई जाए। जिस तरीके की आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि कक्षा 10 और उसके बाद 11th और 12th 2, और फिर जो हम लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, या आपकी 3 साल की है, तो ये वही प्रणाली अभी भी अपनाई जा रही है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है ये बात इसमें कही कि 10, 2 और 3 की जो प्रणाली है इन्होंने दी। और दूसरा महत्वपूर्ण वो इन लोगों का दिया सुझाव जो था वो है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र सूत्र में है आपके कि एक तो आपका इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगी, और आपकी मातृभाषा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट है इनका कि 6 से लेकर 14 वर्ष के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाए। ये तो अभी भी चल रहा है, आप लोग देखते हैं कि अब तो ये एक तरह से मौलिक अधिकार बन गया है बच्चों का कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की बात जो की गई थी वो कोठारी आयोग में की गई थी। और कोठारी आयोग में कहा गया था जब बच्चे का हम एडमिशन कराने जाते हैं स्कूलों में तो वो 6 वर्ष का होना चाहिए, 6 वर्ष से ही उसकी जो शिक्षा है वो प्रारंभ होनी चाहिए। अब 4 पॉइंट है कि एक बात कही गई है कि ये आपका है गाइडेंस और काउंसलिंग की बात कही गई है। पहले आपने जो माध्यमिक शिक्षा में देखा था वहाँ गाइडेंस और काउंसलिंग की बात नहीं थी। ये आप जो देखिए जो चीज़ें दोनों में मिल रही हैं, कॉमन हैं, उनको तो आप ऐसे ही देख लीजिए, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, क्या नई चीज़ इसमें दी गई, क्या उसमें अलग दी गई थी, इस बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से पूछा जा सकता है। जो कॉमन है वो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो अलग है, दोनों में माध्यमिक पढ़ा आपने, अब आप ये कोठारी पढ़ रहे हैं, आगे चल कर 1986 शिक्षा नीति पढ़ेंगे, तो इन सब में देखना है कि कौन सी ऐसी अनोखी अलग बात कही गई है, कौन सा अलग सुझाव दिया गया है, उस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने कहा कि गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेंटर खोले जाएं, यानी कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो यानी कि 10वीं या 9वीं में होते हैं तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम किस क्षेत्र में जाएं, कौन सा व्यवसाय चुनें, या हम करियर क्या चुने, अपनों को पता ही नहीं होता। तो उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए ऐसे सेंटर खोले जाएं कि उनको व्यवसाय की और उनको लाइफ में जो करना है, जिस क्षेत्र में जाना है, उसको बताया जा सके। और उसके बाद जैसा कि एक बात और कही गई है इसमें कि जो बच्चे अब हम लोग जैसे कि 10th के बाद ही चुनते हैं, 10th के बाद ही हमको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आर्ट में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ये हम लोग चुनते हैं। तो इसकी भी बात उन्होंने कही कि जो 9th में हम लोग ना चुने, 9th के बाद जो 10th है, 10th के बाद हम लोग अपनी अपनी स्ट्रीम को चुन सकते हैं। अब 5th पॉइंट है कि मूल्यांकन में सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन की बात कही गई कि जो मूल्यांकन हम करते हैं, मूल्यांकन क्या होता है, जब बच्चा पूरे साल पढ़ता है, उसकी परीक्षा होती है, और फिर जब परीक्षा होती है तो उसको जांचा जाता है, जो अंक दिए जाते हैं कि उसकी जो जो उसने पेपर पढ़ा है या पेपर उसने एग्ज़ाम दिया है, उसको जब आंका जाता है, उसके जो पेपर दिए हैं उसका उसका अंकन किया जाता है, उसमें कितने मूल्य उसको दिए जाते हैं, मूल्यांकन, मूल्यों का अंकन, यानी कि मूल्यांकन जो किया जाता है, उसी की बात हो रही है कि जो परीक्षा के बाद जो बच्चों के पेपर को जांच की जाती है, उसके नंबर दिए जाते हैं, उसी की बात यहाँ पे की गई है कि जो मूल्यांकन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में आपने एक बार ही परीक्षा ले ली बस हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चों का सतत यानी लगातार समय समय पर उनकी परीक्षाएं लेते रहें, जैसे अब यूनिट 1 की परीक्षा होती है, यूनिट 2 की परीक्षा होती है, इस तरीके से रूल्स बन गए हैं स्कूलों में, तो समय समय पर उनकी लगातार परीक्षा होती है। और जब परीक्षाएं होती हैं तो उसके द्वारा हम लोगों को ये पता चलता है कि बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है,
किस चीज़ में वो अधूरा है, किस चीज़ में उसको वो बात समझ नहीं आ रही, किस चीज़ में कमज़ोर है, किस चीज़ में आगे है, तो इस बात को हम जान पाते हैं। तो उसमें फिर जो टीचर है वो सुधार करता है, उसको फिर आगे बढ़ाता है, उसको आगे जो चीज़ नहीं समझ में उसको समझाता है, यानी कि एक तरह से उसके विकास के लिए सतत और आंतरिक मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। तो ये बात कोठारी आयोग ने कही थी। अब आपका जो 6 पॉइंट है वहाँ पे कहा गया है कि जो शिक्षा जो है वो हर देश का, समाज का, हर चीज़ का, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा पर अत्यधिक खर्च होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है शिक्षा के द्वारा ही उस पूरे समाज का निर्माण होता है। उसके जो नागरिक हैं वो जो वहाँ पे समाज में रहते हैं, जो मानव है, उसका विकास होता है। तो उन्होंने कही कि शिक्षा पर जो खर्चा है, जैसे हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो बजट का जो 6% हिस्सा है वो आपका शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, 6% खर्चा होना चाहिए। फिर 7 पॉइंट है कि शैक्षिक अवसरों की समानता। इसमें कहा गया है कि कोई भी छात्र है वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी रंग रूप का है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर देने चाहिए, इस बात को यहाँ कहा गया है। 8 पॉइंट है आपका अपव्यय और अवरोधन अधिक से अधिक कम करने का प्रयास किया जाए। इसका अर्थ ये है कि आपने देखा होगा बच्चों की जैसे बच्चे गांव घर में पढ़ते हैं तो कभी कभी तो वो लोग इतनी गरीब फैमिली से आते हैं कि वो एक दो क्लासेस ही पढ़ते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स काम करने के लिए या अपने साथ मजदूरी करने के लिए उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो एक तरह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो फेल हो जाता है, तो उसको या पढ़ने में ध्यान नहीं देता, तो उसको एक ही क्लास में कई वर्षों तक रोक लिया जाता है। तो वही बात यहाँ अपव्यय और अवरोधन जो है इस तरीके का, इसको कम करने का प्रयास किया जाए, ये कहा गया है। अब इसका जो 9 पॉइंट है वो देखिए, इसमें कहा गया है कि नेबरहुड स्कूलों की स्थापना की जाए। अब नेबरहुड स्कूल कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए बिना किसी, और यहाँ पे जो शिक्षा होनी चाहिए वो बिना किसी भेदभाव की होनी चाहिए। यहाँ पे नेबरहुड में जो आपकी शिक्षा है वो बिना भेदभाव के है। छोटे बच्चे जो होते हैं, आप देखते हैं छोटे बच्चे ज़्यादा दूर तो नहीं पढ़ने के लिए जा सकते हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट चलाया जाए कि छोटे बच्चे जो हैं, जो छोटे क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं, उनके लिए उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्कूल हो। और जो बड़े बच्चे हैं, जो आपके सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो उनके बड़े बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के आसपास स्कूल हो, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब 10वां पॉइंट है आपका कि स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कही गई है, और इस स्कूल कॉम्प्लेक्स इसको संकुल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे आपके 5-6 प्राइमरी स्कूल हैं, तो वो जो हैं वो एक आपका सेकेंडरी स्कूल से अटैच होंगे, यानी कि बहुत से प्राइमरी स्कूल आसपास में हैं 5-6, तो वो बीच एक जो आपका वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए उससे वो अटैच होगा। तो कॉम्प्लेक्स की यानी कि बात की गई है, इसको संकुल भी कहते हैं। अब 11 पॉइंट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का भी सुझाव इसमें दिया गया था। जो आप 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसका जो सुझाव था वो इसी आयोग ने दिया था। अब 12वां पॉइंट है आपका मुक्त शिक्षा, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन की जो बात होती है वो, ये भी नहीं नया पॉइंट है जो उसमें नहीं था, तो इसकी बात भी यहाँ पे की गई है। मुक्त शिक्षा क्या होती है, मुक्त शिक्षा जो पत्राचार की शिक्षा होती है, जैसे इग्नू कराता है, हम लोग घर बैठे हैं और घर में ही पढ़ाई करते हैं, वहाँ से हम लोग की जो शिक्षण सामग्री है वो आ जाती है बाय डाक के द्वारा, और हम लोग पढ़ते हैं और पेपर जब देना होता तो जाते हैं। तो मुक्त शिक्षा वो है कि जिस तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी खुली है, इग्नू है आपका, पत्राचार माध्यम है, तो ये जो है इस तरह की शिक्षा हो, ताकि शिक्षा जो ये शिक्षा इसलिए कही गई थी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो दिन भर तो काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, लेकिन वो उनकी इच्छा है आगे पढ़ने की, वो अपनी शिक्षण शिक्षा जो उनकी पर्सनालिटी है या अपनी शिक्षण को और ज़्यादा शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो वो
क्योंकि उस टाइम उनको जॉब करनी होती है, अपने कार्य पे जाना होता है। तो अगर डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा वो अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं, वो अपने अध्ययन सामग्री ला के घर में ही पढ़ सकते हैं और फिर अपना पेपर वो समय पे दे सकते हैं। तो उसी तरीके की बात कही की कि मुक्त शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। और फिर 13 पॉइंट है आपका, विद्यालय संकुलों की यथाशीघ्र निर्माण किया जाए। जो संकुल होते हैं उनका निर्माण, ये कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, यही स्कूल कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे बात की गई है। अब अध्यापकों की बात होती है कि अध्यापकों के बारे में जो टीचर्स हैं उनकी उनके पक्ष में क्या बात हुई है, उनके क्या सुधार दिए गए हैं या क्या सुझाव हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं। अध्यापकों की आर्थिक और सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति सुधारने की बात की गई है। जो जो आपके अध्यापक हैं इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसायिक स्थिति को सुधारने की बात की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण, जो उनका प्रशिक्षण होता है उनको, उसके बारे में बात की कि अध्यापकों को अध्ययन की सभी सुविधाएं हों, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियां और शिक्षण उनको शिक्षण विधियां बताई जाएं जो समय की आवश्यकता हो, और शिक्षण सामग्रियां उनको दी जाएं जिसको कि जो बच्चों के पढ़ाते समय उपयोग में ला सकें। शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए, तो यह शिक्षण जो शिक्षा जैसे पहले की जो प्रशिक्षण दिया जाता था शिक्षकों का, उनका पाठ्यक्रम जो होता था उस समय के हिसाब से होता था, लेकिन जब हर चीज़ आधुनिक होगी, हम अपनी शिक्षा में आधुनिकता की बात करते हैं, मानकीकरण की बात करते हैं, तो जो शिक्षण है, जब हम टीचरों को प्रशिक्षण देंगे तो उनके पाठ्यक्रम में भी तो परिवर्तन लाना पड़ेगा, उनकी उनकी जो पाठ्यक्रम है उसमें भी हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा की बात की, वोकेशनल शिक्षा की बात की गई है, एडल्ट शिक्षा की बात की। एडल्ट शिक्षा उस समय क्योंकि सब इतनी शिक्षा साक्षरता नहीं थी उस समय, तो उस समय ये चला था कि 15 से 35 साल जो थे उनको शिक्षा दी जाती थी, इसको एडल्ट एजुकेशन कहा जाता है। अब वुमेन एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा पे भी ध्यान दिया गया, और साइंस एजुकेशन यानी कि विज्ञान की शिक्षा, यानी कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में विज्ञान की शिक्षा पर भी बल दिया गया। अब ये तो सब सुझाव उन लोगों ने दिए थे, शिक्षा आयोग ने, कुठारी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिए थे। अब सरकार ने इन सुझावों को कहाँ तक माना, क्योंकि ये तो सुझाव थे, इसको मानना ना मानना कोई इसमें ये नहीं कि सरकार को मानना ही मानना है, तो सरकार ने कितने सुझावों को माना उसको देखा जाता है। तो उसमें आपका था एक तो इस बात को माना कि 10+2+3 की जो प्रणाली है, 10-2-3, इस प्रणाली को माना जाए और उसको लागू किया जाए, लागू किया गया। और 25 वहाँ पे ये भी कहा गया कि तो 25 माध्यमिक स्कूलों को व्यवसायिक स्कूलों में चेंज कर दिया जाए, ये भी बात कही गई थी कि 25 माध्यमिक स्कूलों को व्यवसायिक स्कूलों में चेंज कर दिया जाए। सेकंड है आपका कि जो 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा दी जाए छात्रों को, ये भी बात हो गई, ये तो अभी भी चल रहा है आपका, 6 से 14 वर्ष जो है वो निःशुल्क ही शिक्षा दी जाती है। फिर थर्ड आपका है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, इसको भी लागू किया गया कि सब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा में समानता रहेगी, शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। 4 पॉइंट है कि शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतनमान, जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जो उनका वेतनमान होगा उस पे भी सुझाव दिए गए, उनको माना गया, तो ये शिक्षकों के बारे में हो गया। और 5th है आपका कि विज्ञान की शिक्षा यानी कि साइंस की शिक्षा पे विशेष रूप से बल दिया गया। और 1986 में बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है आपका, ये 1986 में बना, और इसकी अनुशंसा जो है, इसके सुझाव जो है कहीं ना कहीं कोठारी आयोग ने ही दिया था। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और आपको यदि इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे आपको कैसा वीडियो चाहिए या आपको कौन सा यूनिट समझ में नहीं आ रहा है उसका वीडियो कौन सा आपको चाहिए, जब आप बताएंगे तभी हम लोग उस पर कार्य कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइए, और लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त लोग आपके इसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए।
इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।